आज के वीडियो में आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, आपके मोबाइल या लैपटॉप में इंटरनेट कैसे चलता है। वीडियो को पॉज करिए और यहीं पे आप जो है इसका कमेंट करके हमें जवाब बताइए कि आप क्या सोचते हैं इंटरनेट कैसे चलता है। और दोस्तों, हमारे हिसाब से आप लोगों के जवाब होंगे कि हम जो अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं तो हमारा इंटरनेट चलता है, या फिर और कुछ और लोगों के जवाब आ सकते हैं कि हाँ, मोबाइल हमारे इंटरनेट जो हमारा कंपनी है जैसे कि आइडिया, वोडाफोन है, इन सबका हम रिचार्ज कराते हैं, जबकि जो टावर है वहाँ से नेटवर्क आता है उनके माध्यम से हम जो इंटरनेट चलाते हैं। या फिर आगे एक और उत्तर आ सकता है कि हमें इंटरनेट जो है सेटेलाइट के माध्यम से हमारे मोबाइल टावर्स को आता है, और मोबाइल टावर्स के थ्रू हमारे मोबाइल में आता है हम जब रिचार्ज कराते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये सारे आंसर आप लोगों के बिल्कुल गलत हैं। आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं कि इंटरनेट कैसे चलता है, और आप सभी लोगों में से 99% लोग नहीं जानते, 99% लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि हम जो है रिचार्ज कराते हैं तो हमारे मोबाइल इंटरनेट चलता है। और आप लोग एक बात और जान के दंग रह जाएंगे, इंटरनेट की प्राइस 0 है, इंटरनेट का एक भी खर्च नहीं लगता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इस वीडियो में हम सारी बातों को देने वाले हैं जवाब। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र प्रकाश सहगल और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल सहगल। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर एक जानकारी पाएं सच्चाई के साथ, सब्सक्राइब करें टेक्निकल सहगल चैनल को और इस घंटे को दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी वीडियो बिल्कुल फ्री है, जी हाँ, और आप जो इंटरनेट यूज इस्तेमाल करते हैं वो भी बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, दोस्तों अभी तक आपने जवाब नहीं दिया आपकी क्या राय इंटरनेट कैसे चलता है, तो वीडियो को पॉज करके अभी उत्तर दे दीजिए। आइए हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, और हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, अगर आप इस मोबाइल को इस लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे कनेक्ट करेंगे। यूएसबी वायर उठाएंगे और यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, बस सिंपली हो जाएगा। तो दोस्तों, इंटरनेट भी ऐसे चलता है, वायर के थ्रू चलता है इंटरनेट, जी हाँ, वायर के थ्रू चलता है। ये कंप्यूटर हो गया, ओवरऑल वर्ल्ड, ओवरऑल इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब जो भी मान लीजिए, और ये मोबाइल हो गया आप, और ये कनेक्ट होता है वायर के थ्रू, और इस वायर को कहते हैं सबमरीन केबल, जी हाँ, सबमरीन केबल। अगर आप जो है हमारी बातों से संतुष्ट नहीं है तो गूगल पे लिख लीजिए सबमरीन वायर, और आपको कुछ इस तरह से जानकारी मिलेगी। ये गूगल का इमेज है और ये सबमरीन केबल है, और ये इंटरनेट कुछ इस तरह से चलता है, जी हाँ, समंदर के रास्ते इंटरनेट चलता है। आप सभी लोग जानते ही होंगे पृथ्वी के में सभी जगह पे पानी है, 75 से 80% पानी ही पानी है, तो ऐसे में यहाँ पे जो इंटरनेट चलता है वो केबल के माध्यम से चलता है, और ये केबल होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है, जो कि आज के समय में जो केबल फैला दिया गया है, इस केबल के जो स्पीड है 1000 MB डेटा एक सेकेंड में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि इंटरनेट कैसे फ्री होता है। दोस्तों, आप जो इस केबल को अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं केबल के माध्यम से, तो क्या कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र होने में कोई चार्ज लगता है ना, ऐसे ही हो जाता है। तो ये ऐसा इंटरनेट भी है जो केबल के माध्यम से जो इंटरनेट है, जैसे कि अभी हम आपको दिखाएंगे इमेज भी, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर, उनकी जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उनका कोई भी कास्ट नहीं लगता। लेकिन 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 जो ये वायर आता है, ये वायर, ये बहुत ही कॉस्टली वायर होता है, और इसी वायर की कॉस्ट की वजह से हमें इंटरनेट काफ़ी महंगा मिलता है, और यही कारण है कि हम नहीं जानते कि इंटरनेट फ्री है, और हम जो है अब तक यही सोच रहे होते हैं कि इंटरनेट हमें रिचार्ज वगैरह कराते हैं तब मिलता है। जी नहीं, रिचार्ज वगैरह नहीं, इंटरनेट जो है आप केबल के माध्यम से होता है, और केबल को बिछाने के लिए कुछ कंपनी है, जो कुछ लिमिटेड कंपनियां हैं जो कि केबल को फैलाती हैं। आइए हम जो है और जानकारी अपने लैपटॉप में लेते हैं, देख सकते हैं सबमरीन केबल, यहाँ पे सर्च करने पे कुछ इस तरह से आता है, देख सकते हैं यहाँ पे इमेज है, और यहाँ पे ये मेंटेनेंस कॉस्ट, ये देखिए मेंटेनेंस किया जा रहा है, और ये समंदर के रास्ते इंटरनेट को चलाया जाता है। अब यहाँ पे देख के कुछ हम आपको मैप दिखाते हैं, यहाँ पे इनका देख सकते हैं हम, जो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सबमरीन केबल डॉट कॉम, ये एक ऐसा वेबसाइट है जो कि ऐसे जो कि पूरे समंदर में फैले केबल्स को बताता है कि यहाँ से केबल कनेक्टेड हैं।
तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कौन से कहाँ से केबल कनेक्टेड है, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में ये केबल बिछे हुए हैं, और इसके बाद ये केबल एक जगह आके कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, फिर वहाँ से आपको वायरलेस के थ्रू या फिर आप कह लीजिए कि ये जो भी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इनके जो टावर हैं इनके माध्यम से इंटरनेट खरीदा जाता है। उसके बाद ये वायरलेस किया जाता है इनके वहाँ से इनके सर्वर से, और उसके बाद आप जो है रिचार्ज वगैरह कराते हैं, फिर उनके पैकेज को आप खरीदते हैं। इस तरह से जो है आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये केबल कनेक्टेड है। यहाँ पे हम इंडिया पे फोकस करने वाले हैं, और यहाँ पे जो इंडिया का जो सेक्शन है वो देख सकते हैं, सबसे बड़ा हब जो है वो मुंबई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुंबई का सेक्शन है, सबसे बड़ा हब जो है वो मुंबई में है। और उसके बाद यहाँ पे केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु वगैरह में भी यहाँ पे हब बने हुए हैं। और यहाँ पे सबमरीन केबल, ये देख सकते हैं सबमरीन केबल मैप है। तो यहाँ पे इंटरनेट, अब आप जो है अपना सोचना सही कर लीजिए कि इंटरनेट जो चलता है वो केबल के माध्यम से चलता है, और इसी वजह से इसकी स्पीड बहुत ही तेज़ होती है। आप जो अगर जो है फेसबुक सर्च कर रहे हैं या फिर अमेजोन सर्च कर रहे हैं, तो आप जान जाइए फेसबुक का सर्वर कहीं और है, और आप जो है यहाँ से सर्च कर रहे हैं, तो इतनी तेज़ी से आपका डेटा जो है जाता है और आपकी इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे लेके चला जाता है, आपके लैपटॉप पे लेके चला जाता है। और यहीं पे बात आती है कि बीच में से कोई आपका डेटा चुरा ले, तो यहीं पे जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है, यानी कि वो सिक्योर हो जाता है। वो अगर कोई बीच में से कैप्चर करेगा, बीच में से कोई तोड़ेगा, तो वो इस तरह से कन्वर्टेड फॉर्म में जाता है, इस तरह से कन्वर्ट होकर जाता है कि ए का बी, बी का सी, डी का कुछ इस तरह से उसमें एल्गोरिथम लगी होती है, कुछ समझ लीजिए कि वो ऐसे वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको अनरीडेबल, जिसको समझा नहीं जा सकता, वो जिस कोड के माध्यम से कन्वर्ट किया गया सिर्फ वही कोड उसे पढ़ सकता है। इस वजह से आपके डेटा को बचाया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी काम में आती है। और कुछ लिमिटेड कंपनियाँ हैं जो कि समंदर में केबल को बिछाती हैं, और वो केबल जो बिछाती हैं वो कंपनियां एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सिस्का वगैरह या फिर जियो वगैरह को, जियो का खुद का अपना फाइबर ऑप्टिक केबल बिछ चुका है, ठीक है, और इन सबको बेचती हैं, जिसकी वजह से आप जो है इन एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल से आप जो है डेटा खरीदते हैं और डेटा रिचार्ज कराते हैं, तब जाके आपको डेटा काफ़ी महंगा पड़ता है। और डेटा का कॉस्ट नहीं है, उसमें जो केबल बिछे हुए हैं उन केबल्स की लाइफ सिर्फ 25 साल होती है, और उसी वजह से उन केबल को मेंटेनेंस या फिर उन केबल्स को बदलने के लिए आपसे ये कॉस्ट लिया जाता है। और यही पूरा माजरा है इंटरनेट को चलाने का। और आप जो है कमेंट जरूर करिएगा, आप अब तक क्या सोचते थे इंटरनेट कैसे चलता है, कमेंट जरूर करना है। मिलेंगे हम अपने वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी की जानकारी लेके। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब पर बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम अपने, तो दीजिए जाए चैन, वंदे मातरम।